देखिए ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की एक बहुत अहम फिल्म मानी जाएगी जाएगी क्योंकि ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिसमें मैंने एज ए चेयरपर्सन बनने के बाद मैं डिसाइड किया कि हमारी फिल्में सिर्फ फेस्टिवलों में नहीं जाएंगी, थिएटर में जाएंगी, और जब तक थिएटर में नहीं जाएंगी बच्चों तक नहीं पहुँचेगी, ये मेरा मानना है। सो दिस इज़ अ फिल्म कॉल्ड चिड़ियाखाना। ये इसमें फुटबॉल इज़ द बैकड्रॉप, और मेरा ये मानना है कि बच्चे गेम्स की तरफ ज़्यादा आते हैं। सो मैंने 5-6 फिल्में ऐसी ली हैं जिसमें एक में टेनिस है, एक में फुटबॉल है, एक में बैडमिंटन, एक में रग्बी है, एक में बास्केटबॉल है, एक में हॉकी है। सो दिस इज़ मनीष फिल्म, एंड ही जब मेरे पास फिल्म की स्टोरी लेकर आए थे तो मुझे इसमें पोटेंशियल लगा बहुत। तो ये कहानी एक लड़के की है, और कहानी में मतलब कहाँ ये बम्बई में आके रहता है और बम्बई में कैसे अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को कम्फर्ट करता है, और उसके पीछे फुटबॉल खेलने की उसकी कहानी है। और ज़्यादा मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता पाऊँगा और बताना भी नहीं चाहूँगा, बट इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। और ये डायरेक्टर आपको थोड़ा बहुत जितना बताना चाहें बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने फिल्म बना के प्रेजेंट करी। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये एक दूसरी फिल्म है, इसके पहले मैंने एक टेनिस बडीज़ ऑलरेडी हमारे 26 जनवरी को रिलीज़ है, वो टेनिस के ऊपर टोटल है। इनकी फिल्म सेकेंड फिल्म होगी जो हम थिएटरों में रिलीज़ करना चाहें। बड़ों की फिल्म के साथ में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म आनी चाहिए, ये मेरा एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी शिकायत रही है कि हमारे पास इतनी 250 फिल्में हैं, क्यों नहीं थिएटर में गई। सो दिस इज़ टुडे सीक्वेंस में ये गणपति जी को यहाँ पर लाया जाता है, विच इज़ द समवेयर इन द इंटरवल पॉइंट। चिड़ियाखाना कहानी है, एक बिहार के बच्चे कैसे आकर के एक मराठी चौल में अपनी जगह बनाते हैं, और कहीं उस समावेश में से बहुत मुश्किलें होती हैं, जहाँ पे एक समय आता है कि उस चौल को चलाने वाला जो एक गैंगस्टर कम पॉलिटिकल गून होता है, ही टेक्स अ लाइकिंग टू दिस बॉय, और उसका वर्ल्ड मराठी कल्चर से बम्बई से खुलता है, और उस समय इंटरवल के जस्ट पहले गणपति का आगमन होता है। तो गणपति सेलिब्रेट हो रहे हैं, उससे हम एक इमोशनल लैंडस्केप बिल्ड कर रहे हैं, और फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्हाई यू टेक अ वेरी यूनिक नेम चिड़ियाखाना, बिकॉज़ इट इज वेरी डिफरेंट। आप देखें, स्टोरी को देखें तो फुटबॉलर है, ये एक 14 साल के नज़रिए से देखी हुई फिल्म है, और उसमें उसके पर्सपेक्टिव से वो देखता है कि हर कोई एक इस चिड़ियाखाने में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, और पूरे फिल्म में इसे कमिंग ऑफ एज फिल्म, तो वो खुद खोजता है उस चिड़ियाखाने में वो क्या है, वो एक कबूतर है कि एक शेर है, मतलब तो एक उसको डर रहता है। तो जहाँ शुरुआत में बच्चा, इनकी जो फिल्म में है ना, वो बच्चा थोड़ा दबा हुआ है, उसको सब लोग जो हैं दिखते हैं आजकल कि भाई ये शेर है, ये सियार है, ये हाथी है, ये वो, धीरे धीरे उसको खुद ब खुद जब वो नॉर्मल होता है, तो एक आदमी के मन, बच्चे की साइकोलॉजी है जो इन्होंने अच्छी तरह से पेश किया कि किसी को जो देखता है तो लगता है कि ये मेरे को मारने आ रहा है, तो ये वो है, ये है। तो इसमें स्पेशल इफेक्ट्स आएंगे आपके, आप चाहिए। सर, किरदार के बारे में जानना चाहूँगा सर, काफ़ी अलग तरीके का किरदार में आप दिखाई दे रहे हैं अभी, गले में माला पहन के, और उसके बाद आप मेरी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये माला मेरे गले पर है क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी जो कुछ है उसको ये माला दर्शा रही है, पर ये माला नहीं थी तब भी मैं वही था, आज माला है तो भी मैं वही हूँ, मैं कोई संन्यास नहीं लिया है, मुझे अच्छा लगा। मेरा सर सडनली शिव जी की तरफ मेरा कुछ, पहले मैं हनुमान का भक्त था, और धीरे धीरे सब लोगों ने मुझे शिव जी की चीज़ें देनी शुरू कर दी, किसी ने रुद्रा, किसी ने गणपति, किसी ने शिव जी, समहाउ आई रेड आई, तो मुझे अच्छा लगा, और ये मुझे प्रेजेंट की तो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहनी, तो ये मेरा पार्ट बन गया। कहीं ना कहीं सर आप बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वो शक्तिवान हो या चिड़िया का रोल, सर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 15 साल से ज़्यादा शक्तिमान बन के बच्चों के बीच घूम रहा हूँ, और ये एक मेरा, मुझे, मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को मैंने कभी हाँ नहीं कही। मैं चाहूँ तो MLA बन सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ दूँ तो लोग मुझे वोट देंगे, चाहे भीष्म पितामह के नाम पे, चाहे शक्तिमान के नाम, पर मैंने कभी नहीं चाहा। मुझे पॉलिटिक्स में मैं हूँ भी नहीं हूँ। ये मुझे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैनशिप की जब ऑफर हुई, मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि बच्चों के पास कौन सी फिल्में जानी चाहिए। हमारे देश के बच्चे आजकल, उनके पास बच्चों की फिल्में नहीं हैं, वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, तो वो सास भी कभी बहू देखते हैं, या फिर वो ऐसी फिल्में देखते हैं कि इतना मारूंगा, इतने छेद करूंगा, ये फिल्में उनके लायक नहीं हैं, बट क्या करें, उनके पास फिल्में नहीं हैं। सो आई थॉट कि मैं एज ए चेयरमैन
بچوں کو اچھی فلمیں دینا چاہوں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فلم کے پروڈیوسرز ڈرتے ہیں بچوں کی فلموں. میں نے شکتی مان بنا کر پروو کیا ہے کہ بچے کو پکڑو, ماں باپ فری آئیں گے آپ, پر پہلے بچوں کو پکڑو تو صحیح. سو سم ہاؤ ان کی ایک فلم ہے جس میں میں ڈیپینڈ کروں گا, ٹینس بڈیز پہ ڈیپینڈ کروں گا. مجھے ایک فلم چلا کے دکھانی ہے, اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ آپ 250 کروڑ خرچ کر کے باہوبلی بناتے ہو, 10 کروڑ خرچ کر کے بچوں کی فلمیں بناؤ. سو ایز اے شکتیمان میں ان کے بیچ جیا ہوں, ایز اے چیئر پرسن میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہوں. سر ایز اے ڈائریکٹر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فلم کی کاسٹنگ کے بارے میں بتائیے, کتنا مشکل ہوتا ہے سر کاسٹنگ کرنا, کس طریقے سے آپ نے سر کو چنا, اور باقی کس طریقے سے آپ نے مطلب کیا کیا آپ نے کرا؟ ایک تو چڑیا خانہ میں بہت دنوں سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اور میرا یہ لگ رہا ہے کہ آئی دا سبجیکٹ کے لیے کے چلتے, یا میرے متر رہے ہیں انڈسٹری میں, بہت سارے متر جو میرے لاسٹ فلم میں سک میں تھے وہ کام کر رہے ہیں, پرشانت نارائنن, راجیش وسستے, مکرن دیش پانڈے, اور بھی لوگ آ کر کے جڑ گئے ہیں, گووند نام دیو, روی کشن ہے, جو آئی تھنک فلم کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے چلتے جڑے ہیں, اور انہیں بھی اپیکشا ہے کہ فلم اچھی کرے گی. تو سر فلم کب آنے والی ہے, کب ریلیز ہونے والی ہے؟ ابھی تو بن رہی ہے, ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے, فلم اچھی بنانے کی کوشش ہے. 3 مہینے میں بنانی پڑے گی ان کو, ہم نے ان کو ایک وہ بھی دیا ہے کہ ڈیلے نہیں ہوگی, اور فلم 3 مہینے کے اندر اندر تیار ہو جائے گی. 3 مہینے میں ہو جائے گی سر. اور کیا کہنا چاہیں گے جاتی ہے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنے بچوں کو بچوں کی فلمیں دکھائیے, ان کو آیا کے بھروسے مت چھوڑ دیجیے کہ وہ آیا کے ساتھ بیٹھ کے ساس بھی کبھی بہو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کو اچھی فلمیں دکھائیے. یہ آپ کی شکایت ہے کہ ہمارے پاس اچھی فلمیں بچوں کی نہیں ہیں. میں اب دینا چاہوں گا ہمارے یہاں پر, میں نے آلریڈی 8 فلمیں پاس کی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کو اچھے سنسکار دیجیے, بچوں کو انڈین کنٹینٹ دکھائیے, بچوں کو فورن کنٹینٹ مت دکھائیے, شکتیمان دکھائیے, ان کو ڈسکوری دکھائیے, نیشنل جیوگرافی دکھائیے, اور اچھی اچھی فلمیں دکھائیے. میں بچوں کو شکتیمان کی طرف سے شکتیاں دینا چاہوں گا, اور بھیشم پتامہ کی طرف سے ان کو آشیرواد دینا چاہوں گا. وجے بہت بہت